हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे 30 HP मोटर का कैसे कनेक्शन किया जाता है। बहुत से कमेंट थे दोस्तों कि मुंह से बोलकर कनेक्शन करके दिखाओ, जब तक बोलोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आज दोस्तों आज मैं बोलकर दिखाऊंगा आप लोग को कनेक्शन। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तब समझ में आ पाएगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं कनेक्शन की तरफ और दिखाते हैं आप लोग को कनेक्शन करके। ये 30 HP का मोटर है, 30 HP का और एक कनेक्शन वाला डाला हूँ, लेकिन उस समझ में नहीं आ पा रहा है आप लोग का। इसको देखना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, ये 4 पोल का मोटर है और ये 4 कॉल जो दिखाई दे रहा है, 4 कॉल 3 फेज का 12 कॉल हो गया। अब 12 कॉल का 24 लीड निकल गया, 24 लीड है लीड वायर। तो एक आउटर लीड है, एक इनर लीड है। तो अभी जो पकड़े हैं वो आउटर हो गया, तो आउटर को कॉल से 2 कॉल छोड़कर जोड़ना है इसके आउटर में। आउटर को पकड़ेंगे तो आउटर में ही जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, आउटर को पकड़ेंगे तो आउटर में ही जोड़ेंगे। ये देख रहे हो, जोड़ रहे हैं आउटर में 2 कॉल छोड़कर। ठीक है, ये जोड़ लिए दोस्तों, जुड़ गया। इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। टाइट करने के बाद में इसको सोल्डिंग किया जाएगा। सोल्डिंग करेंगे इसको, सोल्डिंग कैसे करते हैं उसको मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा आप लोग को। अब इसका इनर बच गया है, इनर को फिर यहाँ से 2 कॉल छोड़ देना है, 3रा कॉल में जाकर उसका इनर में जोड़ना है। एक तो पहला जोड़े आउटर को आउटर में, तो इसका इनर बच गया, इनर को इनर में। ठीक है दोस्तों, 2 कॉल छोड़कर 3रा में जोड़ना है। इसको भी बढ़िया मजबूती से टाइट कर देते हैं, उसके बाद में इसको सोल्डिंग करके दिखाएंगे। एक फेस का 4 कॉल रहता है दोस्तों, 4 कॉलों में 3 जोड़ हम लोग को करना होता है। तो अभी तक हम लोग कितना जोड़ कर लिए, 2 जोड़ कर लिए हैं। अब 3रा जोड़ करेंगे। 3रा जोड़ का आउटर बच गया, आउटर से फिर 2 कॉल छोड़ना है, 3रा कॉल को लेना है। 3रा कॉल को ले लिए तो उसका आउटर में जोड़ना है। अब इतना में अपना 3 जोड़ हो गया दोस्तों, एक फेस का कंप्लीट कर लिए और एक फेस में अपना 1 लीड ए निकल गया और 1 लीड यहाँ पे निकल गया, 2 लीड निकल गए। 6 वायर निकालना है दोस्तों डेल्टा कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, चलो इसको बढ़िया से टाइट कर लेते हैं, फिर टाइट करने के बाद भी दूसरा फेस को जोड़ना चालू करेंगे। आपको आप लोगों को पूरा सिंपल तरीका से बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कनेक्शन। चलिए देखिए, अब दूसरा फेस को करते हैं। वहाँ से जहाँ से लीड निकाले रहेंगे जिस कॉल से, वहाँ से 1 कॉल छोड़ना है। 1 कॉल छोड़ने के बाद में वहाँ से सेम प्रोसेस, एकदम सेम जैसे उसको जोड़े हैं आउटर को आउटर में जोड़ती है, आउटर को आउटर में। ठीक है दोस्तों, आउटर को आउटर में, इनर को लीड के लिए छोड़ दिए, फिर 2 कॉल छोड़कर फिर इनर को इनर में, फिर से उसका बच गया आउटर, फिर से आउटर में। बढ़िया से टाइट कर लेते हैं, टाइट करके सोल्डिंग करना ज़रूरी है दोस्तों, सोल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह सोल्डिंग किया जाता है मैं उसके लिए भी एक तो वीडियो बनाया हूँ, लेकिन उसको अभी एडिट नहीं किया हूँ। जहाँ पर मैं कनेक्शन करता हूँ दोस्तों, वहाँ
बहुत हल्ला गुल्ला होता है, बहुत गाड़ी मोटर चलता है, इसलिए हर आवाज़ में एडिट करके बता रहा हूँ। ये हो गया आउटर, आउटर को पकड़े हैं, फिर आउटर में जोड़ेंगे, आउटर में जोड़ दिए, इसको काट देते हैं, बढ़िया टाइट करके काट लेते हैं। अब अपना दो फेस का कनेक्शन रेडी हो गया दोस्तों। अब तीसरा फेस का कनेक्शन करना बाकी है। दो फेस रेडी हो गया, तीसरा फेस सेम प्रोसेस द्वारा करना है दोस्तों। फिर एक कॉइल छोड़ देना है, जहाँ से कनेक्शन निकाले रहेंगे वहाँ से एक कॉइल छोड़ देना है तीसरा फेस के लिए। अब तीसरा फेस का कनेक्शन करते हैं। तीसरा फेस का आउटर से आउटर में जोड़ेंगे, आउटर से आउटर में जोड़ेंगे इसको, ठीक है दोस्तों। मेरे दुकान जहाँ पर है दोस्तों, वहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला एकदम से आवाज़, यहाँ वहाँ पर मैं बोलकर वीडियो बनाऊँगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझा पाऊँगा। इसी चक्कर में आप लोग को बोल के नहीं बताता था, म्यूजिक लगा देता था और उसके, तो ये वीडियो आप मैं बोल कर बना रहा हूँ दोस्तों। मेरे बोलने में कोई भी गलती हुआ होगा तो मेरे को पहली गलती समझकर माफ़ करना, ठीक है दोस्तों। ये आउटर को आउटर में जोड़ दिए, अब अपना ये पहला जोड़ है तीसरा फेस का, ठीक है दोस्तों। बढ़िया से टाइट कर लेते हैं, काट दिए इसको, आउटर को आउटर में जोड़ दिए हैं पहला जोड़, दूसरा जोड़ इसका इनर एक वॉल का, और फिर से दो छोड़कर तीसरा में उसका इनर, इनर से इनर, ठीक है। अंदर वालों को इनर बोलेंगे और बाहर वाले को आउटर। जैसे अभी अंदर वालों को पकड़े हैं तो इनर, इनर से दो छोड़कर तीसरा क्वाल का इनर में जोड़ना है, ठीक है। अब दो जोड़ हो गया है दोस्तों। अपना तीसरा फेस कंप्लीट होने में एक जोड़ और बचा हुआ है, एक जोड़ करना है जिसका आउटर पकड़ना है, आउटर से आउटर में, ये देखिए आउटर से आउटर में, इसमें सेफ्टी के लिए स्लो डाल देते हैं। सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है मोटर वाइंडिंग में, कोई सा भी फेस सटना नहीं चाहिए, कोई सा भी वायर सटना नहीं चाहिए, जोड़ बढ़िया मजबूती से होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातों को ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। हर हमेशा मोटर वाइंडिंग में ध्यान दे के ही काम करना पड़ता है। ये अपना तीसरा फेस भी कंप्लीट हो गया, तीसरा फेस कंप्लीट, एक दो तीन, तीन हो गया, और उधर से एक दो और एक तीन, तीन उधर हो गया, तीन इधर निकल गया, ठीक है दोस्तों। तीन बार उधर के लिए, तीन बार इधर के लिए, छह बार, छह बार को हम लोग बढ़िया सुरक्षित से इसमें डालेंगे 10 mm या 12 mm का वायर, कवर वाला वायर डाल के यहाँ से निकालेंगे। अपना तीनों फेस कंप्लीट हो गया दोस्तों। तीनों फेस जोड़कर कंप्लीट करते हैं, 3 × 3 = 9 जोड़ हुआ है, 9 जोड़ में कंप्लीट हुआ है अपना, 9 ठो जोड़ किए हैं। एक क्वाल में 4 क्वाल रहता है, एक फेस में 4 क्वाल रहता है, 4 क्वाल में 3 जोड़ करने से दो दो लीड, हर फेस का दो दो लीड निकालना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब चेक करके दिखाते हैं दो दो फेस कौन सा है, मीटर में चेक कर लेते हैं,
सही है कि नहीं है। ठीक है, पहला तीसरा वाला हो गया, तीसरा, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे को और वीडियो डालने में मजबूती सा महसूस हो। ठीक है दोस्तों।